ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੈੱਕ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੜਦੁੰਗ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। योगेंद्र यादव जी, कल के प्रोग्राम के बारे में आपके सामने रखेंगे, बड़ा प्रोग्राम है, जो कुछ उसमें से बचेगा बाकी साथी भी रखेंगे, और उनके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की घोषणा हम करेंगे। पिछले 70 साल से गण बेचारा दब गया, तंत्र उसके ऊपर खड़ा हो गया, अब गण जाएगा, तंत्र को अपनी आवाज सुनाएगा। जब 2 जनवरी को हमने इस प्रोग्राम की घोषणा की थी, किसी को यकीन नहीं था कि यह होगा। हमने 2 जनवरी को बोला था 26 जनवरी को करेंगे, अपने वाहन ट्रैक्टर पे करेंगे और दिल्ली के अंदर घुस के करेंगे, और आज आप देख रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं, और सरकार को इन तमाम चीजों पे हामी भरनी पड़ी है। इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। जिस तरह से जनता ने, किसानों ने इस बार रेस्पॉन्ड किया है, और जो रेस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है, मेरे साथी उसके बारे में बताएंगे, उसकी वजह से है। मैं आपको फॉर्मली ऑफिशियली संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताना चाहता हूं कि कल 1-2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, 9 जगह से परेड होगी। आपने ठीक सुना, 9 जगह से कल किसान गणतंत्र परेड होगी। इसमें से 2-3 हम सबके दिमाग में रहते हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। इसका नक्शा भी अखबारों में छप गया तो सबको लगता है 3 जगह से होगी। दिल्ली बॉर्डर पे 2 और जगह हैं, एक धांसा बॉर्डर और दूसरा चिल्ला बॉर्डर, तो ये हो गए 5 जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उसके अलावा 4 और जगह हो रहा है जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 1 शाहजहांपुर के बारे में पता नहीं क्यों कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफर्म कर दूं, शाहजहांपुर से कल प्रॉपर रिपब्लिक डे परेड चलेगी, और शाहजहांपुर वालों का प्रोग्राम है कि वो कम से कम 20-25 राज्यों की झांकी निकालेंगे उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं पंजाब हरियाणा का। शाहजहांपुर के नजदीक मसानी बराज पे हमारे कई साथी बैठे हैं, वो भी परेड करेंगे, उनके लिए रूट बना है बिल्कुल। इसके अलावा पलवल से हमारे साथी बदरपुर तक आएंगे, उनके लिए अलग रूट बन गया है, और हरियाणा का नूह जिला जो है मसानी, उसके पास सुनेड़ा बॉर्डर है, सुनेड़ा बॉर्डर से भी लोग आएंगे और वो अपने जिले के अंदर करेंगे। तो कुल 9 जगह पे कल ये रिपब्लिक डे परेड होगी। हमने एक और बात कल कही, पिछली शुरू में 2 तारीख को कही थी कि जो होगा शांतिपूर्ण होगा, और उससे इस देश के गणतंत्र की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और मुझे विश्वास है कल जो आप देखेंगे, ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो रही है, शांतिपूर्ण होगा और इस देश में रिपब्लिक डे की इज्जत बढ़ेगी, रिपब्लिक में पब्लिक अपने रिपब्लिक को क्लेम करने आएगी। शुक्रिया। बाकी मेरे साथी हिदायतें और सब चीजें बताएंगे। साथ ही मैं इसके साथ इतना जोड़ना चाहता हूं कि कल देश के बाकी हिस्सों में, जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, ऐसे ही दूसरे प्रांतों के कैपिटल्स में या बड़े शहरों में ये रिपब्लिक परेड बड़े पैमाने पर होने जा रही है। एक बात, नेक्स्ट बात ये है कि जैसे बड़े पैमाने पर 150,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए हैं, यूथ आया है बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमने ये चीजों को देखते हुए जितना रिस्पांस आ रहा है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अभी
अनाउंस करने जा रहा हूं वो ये है कि हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन एक तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे, बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं यहां रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे, और भी लोग आएंगे और बड़े पैमाने पर जनता इसकी जो नीटी ग्रिटी है जो बहुत डिटेल्स है वो कैसे जाना है किधर को जाना है ये सब जो चीजें हैं ये हम तय करेंगे आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में 26 परेड के बाद, क्योंकि 26 की परेड भी जो है ये परेड 26 को खत्म नहीं होगी, ये लगता है जितने ट्रैक्टर हैं ये 26 को शुरू होके 27 रात पूरी चलेगी, फिर 28 को हम फ्री होंगे, उसमें हम पूरा ये चीज को तय करेंगे। और ये प्रोग्राम के साथ मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी को अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखें पूरे आंदोलन के बारे में। देखिए ये आंदोलन दरअसल जिस दिन ऑर्डिनेंस जारी हुए ये तीनों कानूनों के उससे पहले से ही चल रहा है, तैयारी उससे पहले से ही हो रही है। और इस आंदोलन की खासियत ये रही कि ये हमेशा पीसफुल रहा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया और आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा। मेरी किसान भाइयों से अपने नौजवान बच्चों से अपील है कि वो इसको आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। सरकार की तरफ से बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सरकार की एजेंसीज लोगों को गुमराह करने का काम एजेंसीज ने शुरू कर रखा है, उससे चौकस रहें, क्योंकि स्पष्ट बात है समझने की सभी को कि पीसफुल रहेंगे तो हम जीतेंगे, अगर वायलेंट हुए तो मोदी जीतेगा। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है, हम डिटरमिंड हैं कि हम यहां से जीत के जाएंगे। इसलिए सभी से अपील है कि कल जब शुरू होगा ये किसान परेड, और ये भी इत्तफाक है कि आजादी के बाद जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया या उसमें ट्रैक्टरों से परेड की गई या उसके बाद कल हम ट्रैक्टरों की किसानों की परेड किसानों के साथ परेड करेंगे, ये दुनिया का अपने आप में यूनिक फंक्शन होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर से खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सबको ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी, क्योंकि उसी संविधान में ये नए तीन कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे और वहीं नहीं बात खत्म होगी। 1 फरवरी से आगे भी आंदोलन चलता रहेगा, उसके भी जो प्रोग्राम है बार बार समय समय पर हम डिक्लेयर करते रहेंगे। और ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को अपील है कि पूरा राउंड लगा के अपने अपने रूट पे वो घर नहीं जाएंगे, ये जितने ट्रैक्टर्स आए हैं जितने किसान आए हैं ये यहीं बैठ जाएंगे, उनके लिए व्यवस्था को
कुछ केएमपी के ऊपर की गई है, कुछ इधर उधर की गई है। कोई किसान वापस ना पंजाब को, ना हरियाणा को, यूपी को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, जो किसान आ रहे हैं वो वापस नहीं जाएंगे। सभी प्रदेशों से जो बसों से पैदल जो जत्थे आए हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और दूसरे राज्यों से, वो भी इस आंदोलन में लगातार यहाँ हाजिर रहेंगे और ये जारी रहेगा। बाकी देश से और जत्थे आ रहे हैं और ये सरकार को कल पता चल जाएगा कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन सारे देश का है। और कल बॉम्बे में जो हुआ वो सरकार के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। और कल बेंगलोर में ऐसे ही एक बहुत बड़ी किसानों की रैली, ट्रैक्टर रैली कल बेंगलोर में भी होने जा रही है। ऐसे हर स्टेट में प्रोग्राम चल रहे हैं, ये देश सारे देश में आंदोलन फैल गया है। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अपनी गलती सुधार के सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी जो हमारे ये पूरा मैनेजमेंट जो है कल का, उस कमेटी के इंचार्ज हैं वो रखेंगे। उससे पहले मैं इतनी बात जोड़ दूं कि कॉल संयुक्त किसान मोर्चे का ये भी है कि दुनिया में जहां भी देशवासी बैठे हैं, भारत के लोग, पंजाब के लोग, वो भी इस गणतंत्र दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ये भी कहा। एक बात और स्पष्ट करनी रह गई, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस आंदोलन में हमेशा ये शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है, अगर गड़बड़ी होगी तो सरकार कर सकती है, हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। आपने देखा, हमने आपके सामने एक लड़का पेश किया जो पुलिस को सौंपा गया, जिसने सनसनीखेज खुलासे किए। उसके बाद परसों चौथ एक गाड़ी पुलिस की वर्दियों की, वो भी पुलिस को पकड़ाई। और कल टीकरी बॉर्डर में वहां पे एक लड़का, उसके पास रिवॉल्वर था और एक और था उसके साथ, वो भाग गया। वो कल रात को 2 बजे वो भी पुलिस को पकड़ाया। पुलिस की एजेंसीज इस आंदोलन का नुकसान करने के लिए बहुत सरगर्मी से काम कर रही हैं। हमारी सरकार से अपील है, ये किसान है, ये आपके पॉलिटिकल विरोधी नहीं, ऐसी गलती मत करना ताकि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़े। हम पीसफुल रहेंगे, पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। धन्यवाद। जगमोहन सिंह जी, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ, 26 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 2 ਮਾਰਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, 2 ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇ ਯਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰਲੀ ਹਮਨੇ 3000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਮੇਂ ਸੇ 50% 1500 15% ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6-7 ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪੈਕ ਫੂਡ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਪੋਟ ਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੈਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸਭਸੇ ਆਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਗੀ, ਬੀਚ ਬੀਚ ਮੇਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੇ ਲੀਏ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਜਹਾਂ ਸੇ ਯਾਨੀ 2 ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਹਮਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। तो पानी का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ होगा, और कुछ लोगों दिल्ली की कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे साथ यानी कंटेक्ट संपर्क किया था, उन्होंने बोला कि हम आपका वेलकम करना चाहते हैं, वो वेलकम पॉइंट बना दिए गए हैं, कई जगह फूल बरसाना चाहते हैं हमारे इस किसान परेड पर, उनका धन्यवाद भी करते हैं, ऐसा उन्होंने हमारे प्रपोजल दिया है, अगर कल को इम्प्लीमेंट होएगा तो ये है कि ऐसा आपने बनाया, इसको सुंदर भी लगे, वेल डिसिप्लिन्ड भी हो, कम से कम 100 यानी 100 एम्बुलेंस होगी हमारी ऑर्गेनाइज की तरफ से, और इसमें कोई यानी उसका यानी हम उसको कोई मदद नहीं ली हमने यानी गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं, पुलिस को कोई नहीं बीच में आने देना, पुलिस
हमारे ही वॉलंटियर रहेंगे, पुलिस ने आगे पीछे के जाना है तो जाए, लेकिन हमारी परेड में नहीं आएगी। सौ से ऊपर ट्रैक्टर रिपेयर का भी हमारा अपना अरेंजमेंट होगा, पेट्रोल का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ में अगर पेट्रोल डीजल का यानी डीजल किसी का खत्म हो जाए तो उसको वहाँ ही जाकर टैंकर वगैरह पाए, इसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। मोटा मोटा ये राम सिंह जी, सभी प्रेस वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है, और जो ये परेड है ये मेरे ख्याल से दुनिया की आज तक का जो इतिहास है उसकी सबसे बड़ी ट्रैक्टर परेड होगी। इतने ट्रैक्टर शायद ही किसी आंदोलन में या किसी उसमें शामिल हुए हों, और इस आंदोलन को आगे के बढ़ाने के लिए जो हमारे भाई आ रहे हैं हम उनसे अपील करेंगे कि वो वापिस ना जाएं, वो जो केएमपी रोड है उस पे खड़े या सोनीपत जो रोड है उस पे खड़े, और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीक का प्रोग्राम रखा है सांसद कूच का, वो क्योंकि 30-31 की छुट्टी आ गई है और 1 तारीख को वो प्रोग्राम है, तो 1 तारीख को हम यहाँ से पैदल बिना साधन के पैदल सांसद कूच के लिए यहाँ से चलेंगे, और हम अपील करना चाहेंगे आप सभी के माध्यम से कि इस सब को शांतिपूर्वक रखना है, और सभी जो किसान हैं आने वाले जो भी इसमें शामिल होंगे वो सभी सेवादार हैं, सभी सेवादार हैं। अगर कोई गलत आदमी उनको बीच में नजर आए तो वो खुद ही उस पर नजर रखे, और कोई भाई इसके दाएं बाएं जाने अपने अपनी मर्जी से कहीं ना जाए, जहां से भी ट्रैक्टर परेड का रास्ता तय किया गया है अनुरोध है सबसे वहीं पर रहे, क्योंकि हो सकता है कई लोग और शायद कुछ लोगों के मन में ये भावना हो कि रास्ता ठीक नहीं मिला है, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता मिला, उस पर काफ़ी कश्मकश भी हुई है, उनकी भावना के मुताबिक हो सकता है वो रिंग रोड मांग रहे थे, लेकिन उस पर कई तरह की दिक्कतें थी, क्योंकि सारी बात जो पुलिस की होती है उनकी भी देखनी पड़ती है, उनकी समस्याएं भी स्कोर की भी देखनी पड़ती है, तो काफ़ी सोच समझ के फैसला लिया गया है कि चलो ये ठीक है, और सभी ट्रैक्टरों को कोशिश करेंगे कि सभी ट्रैक्टर परेड में शामिल हो जाए, कुछ 26 को हो जाए, बाकी बचे तो 27 को हो जाए, और बाकी बचेंगे 26 और 27 को भी पूरे नहीं आ पाएंगे तो फिर और आगे देखेंगे, तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सारा शांतिपूर्वक रहेगा। थैंक यू मैडम। हाँ, अभी क्वेश्चन ले लेंगे, अगर एक एक हाथ खड़ा करके योगिंदर जी आप देखना प्लीज। कौन पर यादव जी, हेयर फर्स्ट लेडी। तो हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के लिए, क्योंकि कल सुबह हम लोग को अरेंजमेंट करना है कि किस तरीके से हम लोग के पॉइंट से क्या क्या अरेंजमेंट रहेगा ताकि मीडिया में कहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सुबह 8 बजे हम स्टेज पे इकट्ठे होंगे, लीडर्स को कहा है, उसके बाद सारा थोड़ा मैनेज करने के लिए समय लगेगा, 10 बजे के करीब हम वहाँ से हम चलेंगे, और वहीं सारी जो सुविधाएं हैं वहाँ वो सबको प्रदान कर दी जाएंगी। यादव जी, मीडिया कमेटी आपके जो है बता, मीडिया कमेटी नंबर उसके रिलीज का, मीडिया कमेटी जो कौन ने इतने है, कोई मीडिया कमेटी एक मीडिया कमेटी है जिसको अभी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे 15-20 मिनट में डाल देंगे, वो कमेटी रूट पे और एक तो ओवरऑल आपको मदद करेगी, और हर जगह पे सभी 8-9 जगह पे एक एक मीडिया इंचार्ज होगा जो कि आपकी मदद करे, तो वो सब आपको हम आधे घंटे 1 घंटे के अंदर रिलीज कर देंगे। इसके साथ यानी हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ मिस्ड कॉल का भी है, जो जो होगा अभी वो हम प्रेस का जो है उसमें भी डालेंगे, न्यूज़ भी भेजेंगे आधे 1 घंटे में। फोन नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर, मिस्ड कॉल नंबर, और मीडिया कमेटी सभी को भेजेंगे। एक रूट का हम पॉइंट पूरा बता दें, जो देखने वाले होंगे वो वहाँ आ जाएंगे, पूरा पॉइंट करके प्लीज ऐसे करते हैं। जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक नट्टारी गेट वाला जितों अगे बजी पार्ट करके चले आगे से, कि जब बैरिकेड हटेंगे आगे मार्च करेंगे।
राज्यवाल साहब के दिल्ली पुलिस ने एक जस्ट ए मिनट सॉरी दिल्ली राज्यवाल साहब नु मेरा सवाल है राज्यवाल साहब दिल्ली पुलिस नाल थोड़ी रूट नु लेके जो डिस्कशन हुई है जिहड़ी उत्थे दी जिहड़ी डेमोग्राफी हैगी आ जिहड़े रूट ते उन्हों ने देखते हुए जो जो हादसे हुण तक छोटे छोटे तुसीं किते किते एलीमेंट्स फड़े ने टिकरी भी कुछ फड़े गए ने इस दी मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने थानू किहड़े पैरामीटर के अंदर किस तरह की इंश्योरेंस दिती है बई थोड़ा ट्रैक्टर परेड ते कोई डिस्टर्बेंस जे कोई बाहरों कुछ डिस्टर्बेंस होएगी तो स्टेट अकाउंटेबल होएगी किस तरह की इंश्योरेंस दिती असीं उन्हां नूं कहा भी तुहाडी जिम्मेवारी होएगी पर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਜਿਨਕੋ ਵੋ अच्छी तरह से जानते पहचानते नए जिसको वो जानते नहीं उसको अपने ट्रैक्टर पे मत बिठाएं देखिए जब जब हमें परमिशन देते हैं तो उसमें निहित है ये बात कि उनको बेशक हम अपने उस पर डिपेंडेंट है अपने वॉलंटियर्स के ऊपर तो अपनी 100 से ज्यादा एम्बुलेंसेज नहीं है बट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर वो नहीं कुछ करेगी तो इसलिए जो हमने हमको परमिशन मिली है उसमें उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही हाँ मैं एक क्लैरिफाई कर दूं देखिए दिल्ली में कम से कम दर्जनों प्रोटेस्ट जो हमने किए हैं आज तक कभी हमें नो ऑब्जेक्शन पुलिस की तरफ से रिटर्न नहीं मिला पुलिस बस आखिर में इशारा कर देती है कर लो मगर पहली बार हमारे पास ऑफिशियल नो ऑब्जेक्शन लेटर है सर जरा दिखा दो बिल्कुल ऑफिशियली नो ऑब्जेक्शन दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया है जिसका मतलब है कि इसके सारे अरेंजमेंट करना सिक्योरिटी रिलेटेड और इमरजेंसी रिलेटेड दिल्ली पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये उन्होंने खुद बोला था मीटिंग के अंदर कि हम करना चाहते हैं ताकि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो तो बिल्कुल ऑफिशियल है मैं इस मौके का फायदा उठा के ये दो नंबर जो जगमोहन जी ने बोले थे वो मैं बता दूं एक मिस्ड कॉल नंबर है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी इस परेड में शामिल हो रहे हैं वो इस पे एक मिस्ड कॉल दे दे ताकि हम उनको कुछ रूटीन इंफॉर्मेशन भेज पाएंगे वो नंबर है 844-838-5556 844-838-5556 ये तो मिस्ड कॉल है ताकि उनको हम जवाबी उसके अंदर उनको जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम उनको भेज सकें दूसरी हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 24 घंटे काम कर रहा है कल रात से काम करना शुरू कर चुका है वो हेल्पलाइन नंबर वो नंबर है 742-838-4230 दोबारा बता दूं मैं हेल्पलाइन नंबर और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे सिर्फ ये चेक करने के लिए फोन मत कीजिए कि नंबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हेल्पलाइन नंबर है 742-838-4230 ये नंबर 24 घंटा काम करेगा जब तक आखिरी ट्रैक्टर नहीं निकल जाएगा तब तक ये नंबर काम करता रहेगा ट्रैक्टर सारे जाएंगे ट्रैक्टर के देखो तीन चार साथी बैठेंगे दो इधर बैठ सकते हैं दो इधर एक ड्राइवर लेकिन कम रखेंगे वॉलंटियर्स हमारे हो गए कहीं खाना है कुछ और चीज है पानी पीना है या कोई भी कोई बीमार हो गया है वी हैव 3000 वॉलंटियर्स हैं हमारे जो पूरे रूट पर इनका सवाल है हाँ एक मिनट इनका सवाल है हाँ जी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जो कि आगे के साइड में बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि पुलिस ने जो रूट दिया है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट और आप लोग मान गए हैं ठीक है लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर दैट और उसकी अभी लगातार देखिए देखिए उन्होंने क्या किया ये तो आप उनसे बात कीजिए लेकिन हमारी पूरी कोशिश है अब भी कोशिश चल रही है
कि एक ही परेड रोड सिंगू से और वही चले, ये हमारी पूरी सर आपके उनसे कोई कम्युनिकेशन हुआ है या फोन में आपसे चल रहा है? हाँ चल रहा है लगातार सुबह से। जो फेसबुक का पेज है किसान एकता मोर्चा का, उस पे जो आपने रूट मैप डाला है उसके नीचे जो कमेंट्स है पंजाब हरियाणा के लोगों के, वो खासे नेगेटिव आ रहे हैं। लोग पंजाब हरियाणा के एस्पिरेशन लेके आ रहे हैं कि वो रिंग रोड पे जाएंगे। वैसे राजेवाल जी वो कहूँगा बताएंगे, हमने हम जितने संगठन हैं यहाँ सब संगठनों ने यूनैनिमसली डिसाइड किया है, इन्होंने ही ये रूट तय किया, इन्होंने ही मार्च तय किया, और हमें हम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है ये कि फेसबुक में या सोशल मीडिया में जो भी आते हैं वो व्यवहार में यहाँ नहीं होगा। एक और दो एक मिनट, हाँ जी एक मिनट सर, नौजवान बुजुर्ग तो ट्रैक्टरां ते बैठ के चले जाएंगे, उहदे नाल इह गिनती पूरी हो जाएगी, साडियां नौजवान भैणां ने साडियां मातावां ने साडे बच्चे उहनां वास्ते की उहनां वास्ते भी इंतजाम कीता होया, सब साधन कीते होए, बसां कीती होई, सर रावता की प्रवाह बसां कीती होई। बड़ा सवाल ये रहेगा कि ट्रैक्टर जो अभी पीछे लगे हुए हैं काफी दूर तक, पानीपत तक काफिले पहुंच गए हैं, आगे रास्ते खुले हुए नहीं है, तो क्या उनके लिए भी कोई रूट प्लान बनाया गया कि वो लोग कहाँ से जाएंगे, यहाँ से तो वो निकल नहीं पाएंगे सर? नहीं, एक सबसे पहले ये आगे वाले निकलेंगे, पीछे वाले उसके साथ साथ जो जो आगे निकलते जाएंगे पिछले वाले उसके पीछे आते जो ट्रॉलियां जुड़ी हुई है उनकी व्यवस्था कैसे होगी? वो कहा है, सबको मैसेज दे दिया कि ट्रॉली एक साइड पे जहाँ उन्होंने रात को आके ठहरना है वो वहाँ खोल देंगे ट्रॉली, ट्रैक्टर साथ आएंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमने यहाँ सारी हमारी ट्रॉलीज, यहाँ सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लंगर है, ये सब इसके लिए हमने कहा है कि कुछ आदमी यहाँ छोड़ के जाओ, ये सारे सामान का ध्यान रखें, ट्रॉली का ध्यान रखें, उसमें सामान है उसका ध्यान रखें, ये सबको ये मैसेज दे दिया गया, सभी पीछे कुछ छोड़ दिया। आखिरी सवाल, शुरुआत कितने बजे एग्जैक्ट टाइम और एंड कितने बजे तक एस्टीमेट लाके चले होने? 8 बजे इतों चलेंगे, एंड जो दो लास्ट ट्रैक्टर अपना पूरा राउंड लाके आवे उदों तक, चाहे 2 दिन हो लगन 3 दिन लगन, लंगर पानी का इंतजाम थां थां सारा किया, पैक लंच पैक डिनर हर जगह साढ़े वॉलंटियर पहुंचाएंगे, सारे तो प्रबंध पता नहीं चला आप क्या कह रहे हैं। नहीं हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, कुछ वॉलंटियर्स पिछे रुकेंगे जो पिछे ट्रॉलियां होंगी ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੇਜ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਫਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। सभी लोग एक बार कह दिया कि पहला ट्रैक्टर चलेगा, जो लास्ट ट्रैक्टर अभी करनाल में भी है वो भी चक्कर लगाएगा, वापसी फिर ये KMP काहे के लिए है, इस पे कब्जा कर लेंगे।